नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि RRBJEE का आंसर की आया है उसमें ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे जो आंसर हैं उनके मैच नहीं कर रहे हैं RRBJEE ने जो आंसर दिया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्शन लिंक ही नहीं खुल रहा है, तो बहुत सारे का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आपको जेन्युइन आंसर मैं देने वाला हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी करते हैं और आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो सही है और रेलवे ने गलत किया है, तो कोई भी बंदा उस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्ट किया होगा तो आपका ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा, या जो भी है आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ना करने के बावजूद आपका ऑब्जेक्शन वहाँ पर ले लिया जाएगा। कैसे एक हम इसके RRB के द्वारा ही अहमदाबाद ने ट्विटर हैंडल पे एक रिप्लाई दिया था एक बंदे को, उसको हम देख लेते हैं कि क्या दिया था। यहाँ पे हम जाते हैं अहमदाबाद के जो ट्विटर हैंडल है उस पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसने रिप्लाई दिया था, द डिसीजन ऑन एनी क्वेश्चन विल बी अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट ऑफ दैट शिफ्ट। यानी कि देखें ये क्या पूछ रहे थे, शायद यहाँ पे विवेक जी ने पूछा था कि सर, अगर कुछ स्टूडेंट अपनी शिफ्ट के रॉन्ग आंसर की पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो क्या उनको भी क्वेश्चन हटने पर मार्क्स मिलेंगे? तो ये रिप्लाई दिया है अहमदाबाद ने कि सभी पे अप्लीकेबल होगा। यानी कि देखिए, ये अप्लीकेबल कैसे होता है, देखिए हर एक क्वेश्चन का एक आईडी होता है, प्रॉपर आईडी होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल होती है, यानी कि जिस पे कोई ऑब्जेक्ट किया है, कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट किया है, तो वो जो आईडी होती है वो ट्रैक कर ली जाती है RRB के द्वारा कि ये क्वेश्चन है वो गलत है या जो भी है वो सही है। वो मैटर करता है RRB के ऊपर कि वो गलत मानता है या सही मानता है। अगर वो गलत मानता है तो उस आईडी से रिलेटेड, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आईडी होगा, तो उस आईडी से रिलेटेड जितने भी पेपर में आए हैं वो वाले आईडी, वो क्वेश्चन नहीं ट्रैक करता है, वो सिर्फ ये आईडी देखता है कि उस क्वेश्चन का आईडी और कौन कौन से पेपर में मिल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सर्च करके सभी को एकदम से हाईलाइटेड कर देगा। तो जितने भी पेपर में वो क्वेश्चन आईडी आए होंगे, यानी कि जो एक क्वेश्चन का एक ही आईडी होता है, तो वो क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए होंगे सभी में वो रिक्लेम कर लिया जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक आप नहीं भी क्लेम करेंगे फिर भी वो आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। आपको 50 रुपया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक भी बंदा अगर ऐसा किया है कि कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट किया है और RRB उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो सारे लोगों को ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा सफिशियंट है कोई भी क्वेश्चन को गलत या सही करवाने के लिए। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिससे कि आपको ये पता चल गया होगा। हालांकि आपको बहुत सारे चैनल ने बता भी दिया होगा या आपको पता भी होगा कि इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन नहीं भी किया है फिर भी अगर आपके आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत है और उस क्वेश्चन को किसी और ने ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो आपका ऑटोमेटिक उसमें नंबर जो भी है मिलता है या नहीं मिलता है, उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि प्रोरेटेड मार्क्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इससे आपको फ़ायदा है या नुकसान है। मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चों को प्रोरेटेड मार्क्स से नुकसान होता है, और जो मतलब कि थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे तो कोई नहीं होते हैं, मतलब कि थोड़ा कम जानते हैं या उनके मार्क्स कम आने की संभावना होती है, तो उनको फ़ायदा हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो कि ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमें ऑब्जेक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अगर किसी ने कर दिया है तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।